प्यारे बच्चों, मैं आलम खान सर, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर नंबर 12 में नो सूनर दैन, बहुत ही दिलचस्प ग्रामर आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप इसे जरूर सीखिए और सीखने के बाद इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवालों का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, ताकि पता चलता रहे कि आप लोग कितने अच्छे ढंग से हमारे इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं। आइए ग्रामर शुरू करने से पहले एक तस्वीर देखते हैं। बच्चों, कौन है? चूहा है ना, चूहा। ये कौन है? बिल्ली। अब क्या करेगा? ये भाग जाएगा। बिल्ली के आने से कौन भागा? चूहा। ऐसे ही आपके ग्रामर में बच्चों, आपके ग्रामर में ये वर्ड्स हैं जो चूहे का किरदार निभाएंगे। क्या है ये? इमिजिएटली, फौरन, एट वंस, फौरन, उसी वक्त, एट द सेम मोमेंट, उसी वक्त, फौरन, ये सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे, कट हो जाएंगे, इन्हें आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कब? जब आप नो सूनर देन का यूज करेंगे। यस बच्चों, नो सूनर देन का आप जब यूज करोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स इमिजिएटली, एट वंस, एट द सेम मोमेंट कट करना पड़ेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इसके रूल्स को सीखना। ग्रामर नंबर 12 में नो सूनर देन के रूल्स को समझने से पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों, नो सूनर देन इज यूज्ड, नो सूनर देन का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? टू सजेस्ट, ये बताने के लिए, डैट वन एक्शन टेक्स प्लेस या टुक प्लेस, कोई काम होता है या हुआ है, इमीडिएटली, फौरन आफ्टर, फौरन बाद में, अनदर एक्शन, दूसरे एक्शन के बाद, मतलब एक काम हुआ उसके फौरन बाद दूसरा काम हुआ, एक इवेंट हुआ उसके फौरन बाद दूसरा इवेंट हुआ, एक के बाद एक जब काम होता है तो ऐसे कामों को बताने के लिए हम लोग नो सूनर देन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ जाओगे पूरी तरह से बच्चों कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने हम रख रहे हैं। द थीव्स सॉ द पुलिस, दे रैन अवे एट वंस। चोरों ने पुलिस को देखा, वो फौरन भाग गए, फौरन, एट वंस, फौरन भाग गए। अब इसको अगर हम नो सूनर देन से ज्वाइन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा पता है? यस, नो सूनर डिड द थीव्स सॉ द पुलिस देन दे रैन अवे। क्या देखा आप लोगों ने कि ये जो दो सेंटेंस अलग अलग लिखा हुआ था उसको नो सूनर और देन से हमने ज्वाइन कर दिया। बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? चोरों ने पुलिस को देखा ही नहीं कि वो भाग गए। समझा? नो सूनर निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज में आता है, लेकिन इसका मतलब वही है जो एज सून एज में था, सिर्फ अंदाज अलग है कहने का। ये निगेटिव है, एज सून एज को बच्चों निगेटिव करना होगा तो नो सूनर लगा देना। तो आइए इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स में कैसे आपको करना है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है। बच्चों देखिए, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। आपको क्या करना है? नो सूनर देन का यूज करना है, इसको ज्वाइन करना है। हम क्या करेंगे? शुरू में हम लोग नो सूनर लगाएंगे। यस बच्चों, शुरू में हमने क्या लगा दिया? नो सूनर लगा दिया। आप देख रहे हैं, शुरू में नो सूनर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। आप देख रहे हैं, देन लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, या आप ये फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं ना, इसके वर्ब को हम देखेंगे कि इसका वर्ब कौन से फॉर्म में है। बच्चों, अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे और यहां पर डू लगा देंगे, यहां डू लगा देंगे। बस यही रूल आपका है। क्या देखा आपने? शुरू में नो सूनर लगाना है, देन को फुल स्टॉप की जगह लगाना है, और वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा देना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। आपका पहला सेंटेंस फुल स्टॉप,
आपका दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप। हमें क्या करना है बच्चों, नो सुनर शुरू में लगाना है, लगा दिया। वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, डू लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस कॉपी कर लेंगे। ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पर क्या लगाना है बच्चों, ये देन, हमने देन लगा दिया। और ये पूरा सेंटेंस हम दोबारा कॉपी कर लेंगे ये टी स्मॉल करके, और उसके बाद ये जो फुल स्टॉप है हम नीचे कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम कोई सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं ना, तो हम वहां पे डू लगा देते हैं बच्चों। ऐसा और भी ऑप्शन हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस मिले और दूसरा सेंटेंस मिले, और इस बार यहां पे आपको नो सुनर लगाना है, यहां पर आपको देन लगाना है, और अगर यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ई यस लगा हो तो बच्चों क्या करना है, अक्सर देखा होगा ना आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही के साथ गोज लगता है, ही प्लेज लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो अगर एस या ई एस वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे डज लगा देना, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है इसे कट करके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, मतलब ई एस जो था वो यहाँ आ गया। तो पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ डू था और इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे डज है, लेकिन दोनों में यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक सेंटेंस, ही रीचेज द स्टेशन फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, द ट्रेन अराइव्ड फुल स्टॉप। हम क्या करेंगे, नो सुनर शुरू में लगाएंगे। यहाँ हम देखते हैं रीचेस है, ई एस वाला है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, रीच होकर ये ई एस कट जाएगा, रीच हो जाएगा, यहाँ डज लगा देंगे और ये पूरा सेंटेंस ही रीच द स्टेशन। अब ये हो गया, फुल स्टॉप की जगह पर क्या लाना है बच्चों, ये दाएं लाना है, और ये द ट्रेन अराइव्ड ऐसे ही कॉपी कर लेना है टी को स्मॉल करके, और फुल स्टॉप को नीचे कॉपी कर लेना है। क्या देखा आपने बच्चों, जब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस से जुड़ा हुआ रहेगा तो यहां हम नो सूनर के बाद डू के बदले में डज लगाएंगे यस, और ये ई एस कट कर रीच हो जाएगा, मतलब यहां का एस यहां लग गया। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस आपका है, सेकंड सेंटेंस आपका है, हम शुरू में क्या लगाएंगे, नो सूनर, बीच में क्या लगाएंगे, देन। इस बार यहां पर आपको अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले, अभी तक इसके पहले हमने क्या देखा बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा, अब यहां पर हम देख रहे हैं तीसरे नंबर पे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वर्ब का सेकंड फॉर्म जब रहेगा ना तो आप यहां पे डिड लगा देना, यस यहां पे डिड लगा देना, और इस वर्ब के सेकंड फॉर्म को कट कर देना और यहां पे फर्स्ट फॉर्म कर देना, मतलब डिड लगाने के बाद आपको यहां फर्स्ट फॉर्म कर देना है। और इस तरह से आपका जो रूल है बहुत वाजे तौर पर हमने समझा दिया है। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, आई रीच द स्टेशन फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, द ट्रेन अराइव्ड फुल स्टॉप। हम शुरू में क्या यूज करेंगे, नो सुनर यूज किया हमने। यहां हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ब है वो ईडी है, सेकेंड फॉर्म में है, यस बच्चों इसको फर्स्ट फॉर्म में कर लो, और जैसे ही आपने इस सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में किया यहां डिड लगा दो और ये पूरा सेंटेंस कॉपी कर लो। कॉपी कर लीजिए, आई कॉपी कीजिए, रीच कॉपी कीजिए और द स्टेशन कॉपी कीजिए, और इसके बाद जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पर क्या आएगा बच्चों, दैन, यस, और ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही कॉपी हो जाएगा टी स्मॉल करने के बाद, और ये जो फुल स्टॉप है ये आप नीचे ले आएंगे। आपने क्या देखा बच्चों कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो हम डिड लगा देते हैं, और सेंटेंस कॉपी करते वक्त में रीच्ड को रीच यानी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो आपने तीन टाइप के बच्चों,
तीन टाइप के आपने नो सूनर देन के सेंटेंसेस देखे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से ही आपको एज सून एज सेंटेंस मिलता है और कॉमा के बाद सेकेंड सेंटेंस वाला जो पार्ट होता है वो यहां मिलता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर एज सून एज हमको मिला तो सबसे पहले हमें एज सून एज कट कर देना है और उसके बाद जो रूल पहले वाला था, फर्स्ट वाला जो रूल था वही अप्लाई करना है। क्या रूल था बच्चों, नो सूनर हम लगाते हैं, यहां नो सूनर लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आपका कॉमा है उसे कट करके क्या लगाते हैं, देन। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही आसान है। पहले वाले ग्रामर में हमने जहां पे डू लगाया था वही ग्रामर है, सिर्फ एज सून एज एक्स्ट्रा है, इसके लिए हमें एज सून एज काट देना है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां जो कॉमा है वहां पे देन लगा देना है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एज सून एज आई रीच द स्टेशन फुल स्टॉप, द ट्रेन अराइव फुल स्टॉप, एज सून एज काट दिया आपने। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नो सूनर यूज करेंगे। नो सूनर यूज करने के बाद चेक करेंगे कि इसका वर्ब किस फॉर्म में है। बच्चों फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लगेगा, उसके बाद पूरा सेंटेंस कॉपी हो जाएगा और ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पे देन लग जाएगा पहले की तरह, और ये जो ट्रेन अराइव्ड है ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा और फुल स्टॉप भी इसके बाद में कॉपी हो जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, एज सून एज रहेगा, सिर्फ एज सून एज कट कर दीजिए, बाकी पुराने रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों यहां पर एज सून एज फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, इस बार यहां पर एज सून एज कट होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में नो सूनर लगाएंगे और ये जो एस या ई एस है वहां उसकी वजह से यहाँ पे डज लगाएंगे और ये कट होकर यहाँ पे वो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ये जो कॉमा है यहाँ पर देन आ जाएगा। यस बच्चों, तो इस तरह पर हमने देखा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ई एस लगा होता है या एस लगा होता है तो यहाँ हमें डज लगाना है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों As soon as he reaches the station, full stop, the train arrived, full stop. हमें क्या करना है बच्चों, as soon as के बदले में क्या करना है, no sooner लगाना है। उसके बाद reaches है ना, तो reaches को हमने क्या कर देना है, reach कर देना है। देखो es हमने कट के reach कर दिया और जब reach किया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, does। अब उसके बाद ये copy कर लेना है, ये ही यहाँ आ जाएगा, ये reach यहाँ आ जाएगा, ये द स्टेशन यहाँ आ जाएगा, ये फुल स्टॉप की जगह पर ये वाला देन यहाँ आ जाएगा और द ट्रेन अराइव को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में ये जो फुल स्टॉप है कॉपी हो जाएगा। द नो सूनर डज ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर तीन देखते हैं। इसमें भी पहले से एज सून एज लगा हुआ है और सेकेंड सेंटेंस कॉमा के बाद में है। बच्चों इस बार जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसके पहले का एज सून एज कटेगा, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, ये जो नो सूनर है पहले लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म होने की वजह से बच्चों क्या होगा, यहाँ डिड लगेगा, डिड लगने के बाद जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा और ये जो कॉमा है यहाँ पे कट होकर क्या आ जाएगा, देन। एग्जाम्पल देखते हैं। As soon as I reach the station, the train arrived. Full stop. हमें क्या करना है बच्चों, As soon as कट कर देना है, कट कर दिया, कट करने के बाद हमें क्या करना है, क्या करना है, नो सूनर लगाना है। नो सूनर लगाने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा वर्ब किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में था, इसको फर्स्ट फॉर्म में किया, फर्स्ट फॉर्म में करने के बाद यहाँ पे डिड लगेगा और अब ये पूरा सेंटेंस आप कॉपी कर लीजिए, आई रीच द स्टेशन और ये जो कॉमा है यहाँ पे ये वाला देन लग जाएगा और देन लगने के बाद द पूरा सेंटेंस आप ऐसे ही कॉपी कर लोगे। यस बच्चों, आप बेहतर अंदाज में समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि आपने सभी टाइप के रूल्स देख लिए हैं। बच्चों रूल की समरी एक साथ देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो नो सुनर के बाद हम डू लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही रहता है। बच्चों हमने क्या देखा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, नो सुनर के बाद डज लगाते हैं, लेकिन ये कट करके सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, नो सुनर के बाद डिड लगाते हैं और ये सेकेंड फॉर्म को भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बच्चों तो आंसर में जिसमें नो सुनर का यूज होता है सेंटेंस में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के पहले डू डज और डिड लगाया जाता है इन वर्ब्स के हिसाब से। फर्स्ट फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है या ई एस है डज, सेकेंड फॉर्म है डिड। यस बच्चों ये रूल्स का समरी था। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप टेस्ट के क्वेश्चंस देखिए और इसके आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। बच्चों वीडियो नंबर 13 में ऐसा ही एक ग्रामर है हार्डली व्हेन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, जो आपके सामने हम जल्दी ही लेकर हाजिर हो रहे हैं। उसके लिए बच्चों अगर आपने अभी तक मॉडर्न हाई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि वक्त पर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।